हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को गणित अवकलन विविध प्रश्नावली 5 का पार्ट 1 कंप्लीट कराया गया था। पार्ट 2 में जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उसमें का लगभग क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन को छोड़कर जो लिमिट से आधारित है, लिमिट पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन 20वां, इसमें 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दिया गया है, और कह रहा है कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लाइए प्रूव कीजिए। तो सबको पता है कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हमको यही सिद्ध करना है, दिया है इतना और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस ए प्लस बी बराबर इतना होता है। तो चलिए प्रूव कर लेते हैं, कैसे, अवकलन कर दीजिए। अब आप ही लोग बताइए अवकलन किसके सापेक्ष होगा, ना ही इसमें x है ना ही y है, तो किसके सापेक्ष किया जाए। दो ही चीज दिखाई दे रहा है, या तो हम a के सापेक्ष अवकलन करते हैं या तो b के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ठीक है। तो आप लोग करना क्या है, चाहे a के सापेक्ष चाहे b के सापेक्ष, हम इसमें a के सापेक्ष ही अवकलन कर दे रहे हैं, देखिए कैसे होता है। तो डी डी ऑफ a आएगा, अगर x के सापेक्ष होता डी डी x आता, a के सापेक्ष होते डी डी ऑफ a साइन a प्लस b, इसमें अवकलन और इन दोनों में भी अवकलन होगा, यानी डी डी ऑफ ए साइन ए कॉस बी प्लस डी डी ऑफ ए कॉस ए साइन बी। यहां तक क्लियर समझ में आया, आप लोग बी के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब डी डी ऑफ ए साइन का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, अब अंदर वाले का फिर से अवकलन, तो ए का आएगा 1 और बी का 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू छोड़ देंगे, क्योंकि हमको ए का ही लेके चलना है बराबर। इसमें किसका अवकलन होगा, साइन ए का, तो डी डी ऑफ ए साइन ए का अवकलन क्या आएगा, कॉस ए, कॉस बी का क्यों नहीं, क्योंकि यह अलग है कांस्टेंट है, तो कॉस बी वैसे ही रहेगा। फिर प्लस डी डी ऑफ ए का कॉस ए का होता है माइनस साइन ए, कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन ए, और बगल में साइन भी लिखा है हम वैसे ही, तो प्रूफ तो हो गया, अवकलन कर दिया, हमारा उत्तर भी कंप्लीट है। ऐसे विभिन्न फार्मूले बनाने के लिए आप लोग कोई भी फार्मूले से साइन का कॉस, कॉस का साइन अवकलन कर देंगे तो आपका फार्मूला रेडी, अगर याद नहीं है तो, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। 22वें क्वेश्चन में कह रहा है कि y बराबर सारणिक दिया गया, देखिए सारणिक आप लोग पढ़े नहीं है, लेकिन 11 में हम जो लोग क्लास किए होंगे उन लोगों को पढ़ाया गया है कि सारणिक का प्रोसेस कैसे होता है, देख लीजिए कैसे। y का मान दिया है और सिद्ध करना है कि dy / dx बराबर इतना लाना है, तो आप लोगों को पता है y बराबर सारणिक कैसे और होती है, सबसे पहले आप लोग एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए, एफ एक्स लिखने के बाद आप लोग ध्यान देखिए, एफ एक्स के सामने वाला कौन छुपेगा, यहाँ से यह ढकेगा, यहाँ से यह, तो बचेगा यही चार ना, तो इसका गुणा इसमें, सी का गुणा एम में सी एम माइनस बी का गुणा एम में बी एम, अगर आप लोग जानते होंगे तो ही यह समझ पाएंगे सारणिक में। फिर बीच में जी एफ यानी प्लस माइनस प्लस होता है, अब की बार हम माइनस जी ऑफ एक्स, अब जी ऑफ एक्स के लिए यह वैल्यू ढकेगी, तो c का गुणनफल में cl, फिर a का गुणनफल में माइनस al, अब की बार प्लस में क्या है आपका hx है, अब hx के सामने अटकेगा, b का गुणनफल में bl माइनस a का गुणनफल में क्या आएगा am आएगा, यहां तक क्लियर है। अब इसी का डायरेक्टली अवकलन कर दीजिए, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सब में ddx लगेगा, हम लगाने नहीं जा रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए y का आएगा dy / dx, एफ एक्स का अवकलन होगा, देखिए एक्स के सापेक्ष हो रहा है कांस्टेंट माना जाएगा, किसका अवकलन होगा केवल एफ एक्स का, किसका आएगा एफ डैश एक्स, और बगल में जैसे ही लिखा दी फिर माइनस जी एक्स का अवकलन आएगा जी डैश एक्स, बगल में सी एल माइनस ए लिखेंगे, प्लस एच एक्स का अवकलन आएगा एच डैश एक्स बी एल माइनस ए एम। अब आप लोग कहेंगे सर डैश क्यों लगा रहे हैं, देखिए y हमेशा f ऑफ x के बराबर होता है, इतना हमेशा याद रखिएगा, y का अवकलन होगा x के सापेक्ष तो dy / dx, और f x का अवकलन होगा तो f / x आता है, यह याद रखिएगा। तो आ तो गया dy / dx का मान इतना आया, आप लोग y, यह y का मान इसी के बराबर है, इसी को तो हम विस्तार में लिखे हैं, तो dy / dx का जो मान आया है इसका विस्तार रूप यही तो है, सेम सेम देख लीजिए, आप इसको हल करेंगे यही मान प्राप्त होगा, प्रूफ तो हो गया, ठीक है। चलिए अब हमारा एक क्वेश्चन है लास्ट 23वां, कहा है कि y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए
वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर जीरो। तो द्वितीय कोट का अवकलन है ना, तो पहले प्रथम कोट का अवकलन करिए, डायरेक्टली अवकलन कर रहे हैं डीवाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स का, ई की पावर जैसे हो वैसे ही एक्स के स्थान पे ए कॉस इनवर्स एक्स है तो उसका एक बार फिर से अवकलन होगा, ए कांस्टेंट उसका अवकलन नहीं होगा, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन वन माइनस वन अपान माइनस वन अपान अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर यही होता है। ठीक है, तो आ गया डीवाई बाई डी एक्स बराबर ए बाहर कर दीजिए और माइनस बी माइनस ए ई की पावर कॉस इनवर्स एक्स और बटे में अंडर रूट में वन माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर समझ आया, चलिए इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। और एक तरीका और है इसमें लगाने के लिए, क्या तरीका है, आपको e की पावर cos inverse x को y भी मान सकते हैं, दिया गया है तो y लिख सकते हैं, या हम कर सकते हैं डिवाइड बाई डी एक्स बराबर माइनस ए e की पावर cos inverse x की जगह हम लोग y लिख देते हैं और बटे में वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, क्योंकि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चलिए प्रथम कोट का अवकलन हो गया, अब द्वितीय कोट का अवकलन कर दीजिए, हो सकता है इसी में उत्तर भी आपका आ जाए। तो द्वितीय कोट का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे या डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा, अंश बटे हर का फॉर्मूला लगेगा, माइनस बाहर कर दीजिए, अंश बटे हर का फॉर्मूला होता है हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश, अंश में ए तो कांस्टेंट है और वाई का आएगा डिवाइड बाई डी एक्स, यही ना, अंश का अवकलन डिवाइड बाई डी एक्स माइनस अंश, अंश कौन है ए वाई इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन क्या आएगा, देखिए अंडर रूट का अवकलन हमेशा होता है वन बाई टू रूट में, और रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका एक बार फिर से अवकलन, तो वन का जीरो और माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा माइनस टू, और बटे में हर का वर्ग यानी अंडर रूट का वर्ग होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, ये केवल इतना ही है। चलिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का अंदर गुणा कर सकते हैं, ठीक है तो माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, तो माइनस अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर बगल में ए है इंटू डीवाई बाई डी एक्स, अब डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आई है माइनस माइनस प्लस ए वाई और बटे में अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस प्लस और बाहर वाला माइनस आया फिर माइनस ए वाई और टू है तो डायरेक्ट लिख देंगे टू ए एक्स वाई, ठीक है ना, और बटे में यह टू से टू काट दीजिए तो यह टू हट जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे के बटे में एक चीज़ और आपका है वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं हम लोग, यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू के बगल में वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका तिरक गुणा हो सकता है कि नहीं, इसमें वन माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें होगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बगल में है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए ध्यान से, अब आपका इसमें यह इससे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया, ठीक है ना, अब बचा क्या है आपका, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू बराबर ए का होगा ए में ए स्क्वायर वाई और बटे में कुछ है ही नहीं छोड़, ठीक है ना, फिर माइनस ए एक्स वाई, ए एक्स वाई और बटे अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होता है। अभी हमको फर्स्ट वाला हमारा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू तो आ गया है, ए स्क्वायर वाई है, ए स्क्वायर वाई यहाँ पर भी मिल गया है, इधर आएगा ए स्क्वायर वाई माइनस प्लस में माइनस आ जाएगा, अब माइनस हमको लाना है यक्स तो यक्स यहाँ पर है, ठीक है ना, यह माइनस इधर आएगा तो प्लस यक्स ए वाई बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, ए वाई बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में है, इसका मान डीवाई बाई डी एक्स है, ठीक है, तो यह माइनस इधर आएगा तो प्लस में, लेकिन यहाँ पर पहले से ही माइनस दिया गया है तो माइनस इसका मान आ गया डिवाइड बाई डी एक्स बराबर क्या बचेगा, हमने केवल क्या किया एक्स को बाहर करके माइनस ए वाई बटे इतना, माइनस ए वाई बटे इतना का मान डिवाइड बाई डी एक्स इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका, यही यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब विभिन्न कंप्लीट होता है, इसके बाद हम लोग चलते हैं चलेंगे अवकलन के अनुप्रयोग में, इलेवंथ क्वेश्चन शायद बताना है वहाँ, आज के लिए इतना ही, कोई क्वेश्चन समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके।